गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सो आई एम वेरी श्योर कि सभी बच्चे बहुत 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 एक्साइटेड होंगे कि आज ऐसी कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है जिसके लिए सर 2-3 दिन से रोज क्लास में बोल रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 बिग रेवोल्यूशन। तो गाइस, दो अनाउंसमेंट है, ठीक है, और दोनों अनाउंसमेंट बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट है। तो आप लोगों को एंड तक बने रहना है, और उन अनाउंसमेंट से एक चीज मेरा वादा है आपसे कि स्टूडेंट कम्युनिटी का बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है। एंड मुझे नहीं मालूम कि ऐसा इतिहास में पहले कभी हुआ होगा, ठीक है, और आई थिंक दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि इसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी वेरी 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 गुड, ठीक है जी। तो चलिए, तो पहली अनाउंसमेंट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने सीएस के अंदर टेक ओवर मर्जर्स पढ़े हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू विटनेस अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा मर्जर होता हुआ पहले देखोगे आप फर्स्ट टाइम। और ये जो मर्जर होने जा रहा है, ये दो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स आपस में मर्ज करने जा रहे हैं, एंड विद होल सोल पर्पस कि वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का बेनिफिट देख रहे हैं, ठीक है। तो मर्जर का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि किसी तरीके से आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, आप लोगों की हैंड होल्डिंग की जाए, आप लोगों को एंड तक ऐसा लगेगा कि यस, मेरे को मजा आ गया, मेरी रिवीजन क्लासेस, मेरी टेस्ट सीरीज, मेरे को जो पढ़ाया गया दैट वाज ऑल एट वेरी हाई लेवल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी टू आई एम जस्ट अनाउंसिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो मर्ज करने जा रहे हैं। डेफिनेटली उसमें से पहला इंस्टीट्यूट है अरुण सेतिया क्लासेस, बट दूसरा इंस्टीट्यूट का नाम लेने से पहले मैं चाहूंगा कि वो मेरे साथ स्टेज शेयर करें, उनके जो ऑनर है। एंड मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप गेस करें कि वो दूसरा इंस्टीट्यूट कौन सा है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम लोग आप लोगों के साथ क्या क्या बेनिफिट आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। सो गाइज, अब मैं बुलाने जा रहा हूं द ऑनर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट जिनके साथ हमारा होने जा रहा है बहुत बड़ा मर्जर, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो दूसरा इंस्टीट्यूट कौन सा होगा। तो सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज आप आइए और मेरे साथ यहाँ पर जरा बच्चों को थोड़ा सा सरप्राइज दीजिए सर। तो आई एम श्योर कि मुझे इनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ही इज मिस्टर विवेक गाबा, एंड इनसे ज्यादा हार्ड वर्किंग टीचर, इनसे ज्यादा यू नो डेडिकेटेड टीचर अभी तक सीएस इंडस्ट्री में तो मैंने नहीं देखा है। और मुझे लगता है कि इनके साथ मेरा जो मर्जर होने जा रहा है ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। तो मैं ये माइक डायरेक्ट विवेक सर को दूंगा, और वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से ये दो इंस्टीट्यूट का मर्जर जो है वो आप लोगों की लाइफ पे अफेक्ट करने जा रहा है। सो विवेक सर प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मतलब कई बच्चे ना इस टाइम, मैं आप सही बता रहा हूँ, उनके ना ये फीलिंग पता क्या है, ऐसे कर रहे हो, कह रहे 1 मिनट रुको मैं थोड़ा सा ना देख लूँ पहले चल के आ सर बच्चे छोड़ो सर, और भी बड़े सारे ऐसे कर रहे होंगे। बट सर मैं सही बताऊँ, मतलब फाइनली हमने वो चीज़ कर दिखाई है, राइट सर, और ये मुझे लगता है कि आज की नीड भी है, और राइट इसका रिजल्ट मैं सही बता रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, इसका रिजल्ट ना आप लोगों को दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। मतलब पहला अटेम्प्ट अभी दिसंबर में जब होगा ना, जब आपका रिजल्ट आएगा, आप वाकई कहोगे सर एक अलग ही चीज निकल के आ रही है। मतलब जिस लेवल की मेहनत की जाएगी, जिस लेवल का अब काम किया जाएगा, हर बच्चे के ऊपर काम किया जाएगा, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि देखो 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब तो 8 साल से ना, मतलब मैंने एक चीज कहीं ना कहीं सीएस के अंदर जो फील की कि मतलब एक टीचर मान लो फॉर एग्जांपल 4 पेपर ले रहा है, 5 पेपर ले रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो टीचर गलत है, टीचर सारे अच्छे होते हैं, मैं ऑलवेज अपनी क्लास में कहता हूँ। बट कई बार क्या होता है कि अगर मान लो, कई बार मुझे भी बच्चे बोलते हैं कि सर प्रोफेशनल में अब तो सब्जेक्ट आपके खत्म हो रहे हैं, तो कोई दूसरा पेपर ही ले लो, बट मेरा दिल जानता है कि मैं वो अपना बेस्ट दे ही नहीं पाऊंगा। मतलब अगर मैं 4 पेपर लूंगा, 5 पेपर लूंगा, 3 पेपर लूंगा, ऑब्वियसली बात मेरे घर में अर्निंग तो आ जाएगी,
बट मेरे को मेरा मेन पर्पस अर्निंग तो नहीं है ना, मेरा मेन पर्पस ये है कि जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया जब उसका रिजल्ट आए ना वो एक मैसेज जरूर करे सर थैंक यू सर मजा आ गया, मतलब पढ़ के ना कमाल हो गया। नहीं नहीं बिल्कुल सर, तो उस चीज को सोचते हुए फाइनली हमने डिसाइड किया, मतलब बहुत मुश्किल डिसीजन था सही बताएं बट फिर भी मतलब कहते हैं ना कि नहीं यार बच्चों की जरूरत है, मतलब बच्चों को ना फाइनली वो टाइम आ चुका है कि जब सीएस कम्युनिटी के लिए इतना कुछ किया है ना तो ये भी एक चीज कर दें, मतलब बाकी बच्चा याद करे कि हाँ भाई दो टीचर जुड़े थे ना उन्होंने सीएस इंडस्ट्री हिला दी थी, मतलब एक कमाल किया था। बिल्कुल सर बिल्कुल सर, तो होगा आई एम श्योर फॉर दिस, क्योंकि पर्पस ही हमारा यही है कि आप लोगों को जो क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए, जो एक्चुअली में आप डिजर्व करते हो, जो शायद आप लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे, वो अब आपको मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर, ये वादा है हम लोगों का। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज के ऊपर हम लोगों ने बहुत प्लानिंग करी है, बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग करी है कि किस तरीके से इस बार दिसंबर का जो एग्ज़ाम होगा ना वो आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट होगा, आई एम टेलिंग यू दैट इज़ फॉर श्योर। सो विवेक सर मेरे को एक चीज़ बताना है, बच्चों एक्चुअली बच्चे जानना चाह रहे होंगे कि क्या अब ये जो दो इंस्टीट्यूट्स का मर्जर होने जा रहा है तो इसमें किस तरीके से टीचर्स काम करेंगे, क्या टीम दो होंगी, टीम एक होगी, पैन इंडिया अलग होगी, फेस टू फेस अलग होगी, ये सारी चीज़ें आई एम श्योर इन सबके मन में कन्फ्यूजन आ रहा होगा। और सर सबसे बड़ी बात है जब हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं तो सबसे पहला तो इनके दिमाग में यही टेंशन है कि भाई ये टैक्स कौन लेगा नहीं तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहला तो सर इनको यही क्लियर कर दो सर ये होने का वाला है भाई। तो मैं टैक्स के लिए आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये तो आप लोगों के लिए जैकपॉट हो गया कि दो लोग मिल गए, तो आप लोगों को तो ऐसा लगेगा कि यार मज़ा ही आ गया कि वो अपने लेवल में ही अलग ही उनका ऑरा है, और डेफिनेटली मैं सर के साथ खड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं एक हम दोनों का एक जगह पे होना तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि टैक्स को अब लीड करेंगे विवेक सर, तो टैक्स को लीड करेंगे विवेक सर, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ बिल्कुल आप ऐसे समझिएगा कि आप हम दो लोग हैं, अब हम दो नहीं हम एक ही हैं, आप ऐसे समझिएगा, क्योंकि जब मर्जर होता है तो आप समझ सकते हो मर्जर का मतलब ही यही होता है कि दो एंटिटीज अब एक एंटिटी बन चुकी है, तो अब आप ये समझिए कि आप हमारे पास आए हो, बस खत्म, ठीक है ना। तो लीड नो डाउट अबाउट इट कि विवेक सर करेंगे, और आपकी टैक्स से रिलेटेड आई एम श्योर कि किसी तरह का कोई आपको रिवीजन, टेस्ट सीरीज, अमेंडमेंट कहीं पर भी अब कमी नहीं आने वाली, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। और कॉस्ट एंड एफएम जो होगा दैट विल बी टेकन बाय मी, लेकिन विवेक सर ये तो हो गया टैक्स कॉस्ट एफएम, रेस्ट टीम का क्या करना है, क्या अलग अलग बना रहे हैं हम लोग या एक ही करेंगे उसको? सर रेस्ट टीम जो होगी मतलब टैक्सेशन मैं लूंगा और कॉस्ट एफएम सर लेंगे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब जहां भी नाम आएगा ना सर, मतलब मेरा जो ड्रीम है राइट, मतलब जो हम इतनी मेहनत कर दें कि बच्चा ये बात कहे कोस्ट एफएम इज इक्वल टू सी अरुण सेतिया सर, बिल्कुल सर, तो मतलब इस तरह से कमाल करें, इस तरह से मेहनत करें कि बच्चा कहे सर अब ना अब पढ़ने का भी मजा आ रहा है और हर चीज हमें मिल रही है जो हमें चाहिए थी, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी मैं सर टीम के लिए क्लैरिफाई कर दूं, टीम का मतलब टीम का मतलब एक ही टीम होगी और वो टीम अपने अपने एरिया में स्पेशलाइज होगी, मतलब वही चीज तो प्रॉब्लम थी ना सर, मतलब वही चीज की प्रॉब्लम थी कि मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई भी मैं हूँ तो अगर मैं चार पेपर लेके चलूंगा तो ना तो मैं बच्चों को टाइम दे पाऊंगा और मुझे लगता है कि मुझे बच्चों से मतलब मैं अपने आप से चीट कर रहा हूँ, सही बताऊँ मतलब मेरा कहीं ना कहीं है कि मैं अपने आप से चीट कर रहा हूँ कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि आपकी इंक्वायरीज मतलब फॉर एग्जांपल कोई पेपर की होगी अगर मैं उसको रिप्लाई नहीं करूंगा या उसके डाउट सोल्व नहीं करूंगा ना तो मेरे से अपने आप से चीटिंग है, तो वो चीज़ नहीं अब होगी, मतलब टीम एक ही रहेगी, चाहे वो लक्ष्मी नगर फेस टू फेस क्लासेस हो, चाहे वो पटेल नगर फेस टू फेस क्लासेस हो, इवन ऑल ओवर इंडिया जो लाइव क्लासेस चलेंगी सेम टीम के साथ अब चलेंगी, बिल्कुल मतलब कंपनी लोग की फैकल्टी अपने एरिया में स्पेशलाइज होगी। बच्चा कह रहे नाम तो बता दो, आएगा बेटे आएगा टेंशन, मतलब मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ जो टीम होगी ना आप वाकई कहोगे सर टीम ये है और अपने एरिया में स्पेशलाइज है, डेडिकेटेड टीम मतलब डेडिकेटली टीम मतलब डेडिकेटेड होगी अपने मतलब आपकी जान लगा देंगे सर, मतलब लगा लो हर एरिया में आप चाहे कंपनी लो हो चाहे सेटिंग अप हो चाहे ईबीसीएल हो चाहे सिक्योरिटी लो हो चाहे टैक्सेशन हो चाहे कोस्ट एफएम हो, मतलब अब हर फील्ड में आपको जान लगी हुई मिलेगी कि हाँ भाई वाकई टीचर काम कर रहे हैं, तो लक्ष्मी नगर पटेल नगर ऑल ओवर इंडिया लाइव सेम टीम रहेगी,
बाकी पूरी टीम हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, ठीक है, उसके लिए भी एक ना सस्पेंस होना चाहिए कि होए ओ माय गॉड कौन आने वाला है सर, तो एक सस्पेंस होना चाहिए। बाकी आज ये सस्पेंस तो हमारा धप्पा हो गया, मतलब ये तो धप्पा हो गया कि भाई ये तो पता लग गया ना कि अब हम दोनों जुड़ के काम करेंगे बच्चों के लिए, ठीक है जी। और बाकी टीम भी बहुत बेस्ट टीम होगी, अपने एरिया में स्पेशलाइज होगी और आपको जो वो क्वालिटी प्रोवाइड कर देगी ना डेडिकेशन से, मैं दिल से कह रहा हूँ सर, वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। वो टीम हम जल्दी अनाउंस करेंगे। एंड जी सर, सर बस मेरे को अब ये जानना था कि जैसे अब इनका दिसंबर अटेम्प्ट आ रहा है, सो आई एम वेरी श्योर कि ये सब लोग क्यूरियस हैं कि भैया हम बातें तो कर रहे हैं लेकिन कोई रिवीजन प्लान है हमारा कुछ, कि रिवीजन कैसे होएगी, अरुण सेतिया क्लासेस के चैनल पे होएगी, वीजी स्टडी हब पे होएगी, तो वो किस तरह से हमारा रिवीजन प्लानिंग रहेगा ताकि बच्चों को क्लैरिटी मिल जाए कि मुझे कब वहाँ जाके बैठना है वीजी स्टडी हब में और कब मुझे अरुण सेतिया क्लासेस के चैनल पे आके बैठना है। सर उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, मतलब आपका चैनल जो होगा वो एक्सक्लूसिवली सीएस ईईटी स्टूडेंट के लिए और जो सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं उनके लिए सर का चैनल होगा। मतलब जितनी भी रिवीजन क्लास प्रोफेशनल की होंगी, चाहे वो एडवांस्ड टेक्स की होंगी, चाहे वो गवर्नेंस की होंगी, चाहे वो ड्राफ्टिंग की होंगी, जो भी आपके पेपर हैं दिसंबर के लिए, वो सारी एक्सक्लूसिव रिवीजन क्लास जो होंगी वो सर के चैनल के ऊपर आएंगी। और जो ईईटी के बैचेस चलेंगे, लाइव बैचेस चलेंगे या जो भी उनकी रिवीजन क्लास होंगी, वो सारा मटेरियल जो होगा वो सर के चैनल पे होगा। और जितने बच्चे भी एग्जीक्यूटिव के हैं तो एग्जीक्यूटिव की जितनी भी रिवीजन क्लासेस होंगी वो सारी की सारी हमारे चैनल के ऊपर होंगी, वीजी स्टडी हब के ऊपर। तो आई थिंक काफी सारे बच्चे सर यहाँ पे होंगे जो चैनल को नहीं जानते होंगे, तो मैं एक बात आपसे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आई थिंक सर ने इसमें डाला हुआ है, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं तो वो जाके वहां पे जुड़ सकते हैं, मतलब वीजी स्टडी हब हमारा चैनल है सीए विवेकाबा के नाम से। कंप्लीट रिवीजन क्लास दिसंबर के लिए एग्जीक्यूटिव की, हर एक पेपर की रिवीजन क्लास जो होगी वो उस चैनल के ऊपर आएगी, और प्रोफेशनल और ईईटी की जो क्लासेस होंगी वो सारी के सारी सर के चैनल के ऊपर आएंगी। तो मतलब दोनों यूट्यूब चैनल एंगेज रहेंगे, बट हमने मतलब मैंने कहा ना टीम, मतलब तो एक्सक्लूसिव, मतलब प्रोफेशनल और ईईटी के लिए हम इस चैनल को डेडिकेट करेंगे और एग्जीक्यूटिव के लिए हम उस चैनल को डेडिकेट करेंगे। सर रिवीजन का हमारा प्लान भी सर बच्चों को बताओ जरा कि कब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिवीजन क्लासेस 7th of September से मैंने पहले वैसे अपने यूट्यूब पे अनाउंस किया हुआ था कि अमेंडमेंट क्लास मेरी आना स्टार्ट हो जाएंगी टैक्सेशन की, और 2nd week of September से रिवीजन क्लास आना स्टार्ट हो जाएंगी। वो मेरी भी रिवीजन क्लास आएंगी, सर की भी कोस्ट एफएम की होंगी, बाकी कंपनी लोज, मतलब जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव के पेपर हैं या प्रोफेशनल के जो पेपर होंगे उसका एक कंप्लीट प्लान जो है ना हम टेलीग्राम पे सर शेयर कर देंगे। right. तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप जा सकते हो, उसका लिंक भी आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां पे चैनल पूरा प्लान जो होगा ना कि मतलब किस किस दिन किस किस टाइम पर रिवीजन क्लास होगी वो सारा कंप्लीट वहां पर दिया होगा। बस ये आपको ध्यान देना है कि प्रोफेशनल और ईटी की सर के चैनल पे होगी और एग्जीक्यूटिव की जो होगी वो हमारे चैनल के ऊपर होगी, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि मैंने आपको वादा किया था कि दो अनाउंसमेंट्स हैं, अभी जाना कहीं नहीं है क्योंकि ये सिर्फ पहली अनाउंसमेंट थी, मुझे लग रहा है कि इनको लग रहा है कि यही बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, ये हिलने वाले हैं, तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। वो सिर्फ अभी एक ही हुई है भैया, दूसरी अभी है, रुक जाओ। तो जो दूसरी अनाउंसमेंट है वो भी बहुत खतरनाक अनाउंसमेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स हम लोग डेडिकेटेडली काम कर रहे थे फॉर सीएस, और बहुत सारे बच्चे जो सीएस सीएमए के स्टूडेंट्स थे वो ऑल टुगेदर हम लोगों को बार बार ये बोलते थे कि सर आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, हमारे लिए कोई एक्सक्लूसिव क्लासेस का कोई प्रोग्राम नहीं है आपका, क्या हमारे लिए भी कुछ स्टार्ट करने वाले हो। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब अंडर द बैनर ऑफ AVC That is Arun Sethia Vivek Gaba Classes. So we have launched a new banner AVC, जिसमें exclusively classes for CA and CMA. Yes, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, CA और CMA के अंदर exclusive classes आप लोगों को मिलने वाली है, और उसका भी हमने एक separate YouTube channel बनाया है जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन क्लासेस मिलेंगी। एंड द गुड थिंग इज कि सर हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, सो दैट इज समथिंग कि जो बहुत बड़ी बात रहेगी कि विवेक सर सीए सीएमए सीएस एवरीवेयर ही विल बी लुकिंग इनटू द टैक्स मैटर्स, राइट सर। और कॉस्ट एफएम का मैटर किसी भी लेवल पे जब जाएगा तो डेफिनेटली दैट विल बी डेल्ट बाय मी, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि वहां से जो एक क्वालिटी लेवल होगा उस एजुकेशन का वो एक अलग ही लेवल पे आएगा। तो सर AVC के बारे में भी बच्चों को जरा आप प्लीज बताइए कि हम इसको किस तरीके से और कब से लॉन्च करने वाले हैं।
सर एवीसी मतलब बहुत सारे बच्चों का ना, मतलब आपके पास भी आता था, मेरे पास भी आता था और इवन आज भी, मतलब जब यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे बच्चे सीएमए के या सीए के, मतलब सर हमारी रिवीजन क्लास नहीं आएंगी, मतलब हमारे से क्या नाराजगी है। तो मतलब सीएस से मतलब दिल का एक नाता है, वो तो है, ठीक है, वो स्टार्टिंग से रहा है और वो नाता ये मत सोचना कि टूट जाएगा, हाय सर मतलब हमारा ना, मतलब वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक एक्सक्लूसिव वेंचर हम क्रिएट करने जा रहे हैं एवीसी क्लासेस, दैट इज सीए और सीएमए के लिए। उसमें रिवीजन क्लासेस जो होंगे हमारी, वो भी सितंबर के सेकंड वीक से आना स्टार्ट हो जाएंगी, नवंबर और दिसंबर के अटेम्प्ट के लिए। और मैं थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ना ये डाउट ना हो कि सर वही सेम रिवीजन तो नहीं आ जाएगी, तो मैं वो क्लियर कर दूं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब वही तो प्रॉब्लम थी ना, मतलब उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया, उस प्रॉब्लम को दूर करना है और वो टाइम अब आ चुका है। मतलब हर एक बच्चे को ना फील हो कि यार वाकई सर मेहनत कर रहे हैं और मिलके मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है उसका। तो उसके लिए हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है, नया वेंचर स्पेशली क्रिएट किया। तो वहां पर आपकी सीए इंटर का टैक्सेशन कोस्ट एफएम हो गया, आपका सीएमए इंटर का टैक्सेशन या कोस्ट एफएम हो गया, उसकी रिविजन क्लासेस नवंबर या दिसंबर के लिए सितंबर के सेकेंड वीक से आना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी भी अलग से। तो उसके जितने भी दोस्त हैं, मैं तो हाँ हेलो अंकल सुनो ध्यान से सुनो, पहले सुन लो, आपके जितने भी दोस्त हैं चाहे वो सीए के हैं चाहे वो सीएमए के, पता देखो दोस्ती तो आपकी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप मेरे को पता कितने सारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर हो, कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप आपने भर रखे हैं, तो उसमें दोस्त आपके होंगे। अब उनको बस ये बोल देना कि बाकी टेंशन ले लो, कोस्ट एफएम और टैक्स की टेंशन नहीं होनी चाहिए। मतलब वो ये क्या होता है कि कई बार ना यूट्यूब चैनल पे लोग आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं एंड देन गायब हो जाते हैं। बट ये आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ शब्द नहीं है हमारे, ठीक है ना, और इसका रिजल्ट जो है आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि भैया हमारे पे ट्रस्ट करो, 5 साल बाद देखना सरकार आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग तो सिर्फ आपको कह रहे हैं सर 3 महीने, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर काम करते हो, आप हमारे साथ डेडिकेटेड वे में जैसे हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आप हमारे साथ वैसे ही कमिटमेंट करते हो, तो हम एश्योर कर रहे हैं, अब मैं वर्ड नहीं आ रहा, हम एश्योर कर रहे हैं कि सर इन लोगों का रिजल्ट जो होगा इस बार क्या एकदम आउटस्टैंडिंग लेवल पे जाएगा। सर पूरी जान लगा देंगे, मतलब पूरी जान लगा देंगे, मुझे इतना पता है। अब ना मतलब बच्चे को ये नहीं, आपने अब ये नहीं सोचना कि सर हमें 40 दिलवा दो, आपने भी ये सोचना है कि सर हमारा मन जो है 80 प्लस और 90 प्लस का, मतलब उसके लिए अब काम करना है। मतलब जो आपके अंदर था ना कि सर हमारे प्रैक्टिकल में नंबर नहीं आते, मैं भगवान की दया से मतलब उनके आशीर्वाद से कह रहा हूँ कि दिसंबर में आपको ये फील होगा कि हमारे प्रैक्टिकल में नंबर आ रहे हैं सर। और मैं सर एक चीज और बताऊँ कि ये हमारा जो वेंचर है ना, बच्चों को थोड़ा एक चीज और बता दूँ कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव है, वो भी हम आपको क्लियर कर देते हैं कि विवेक सर और मैंने ना जब ये वेंचर बना रहे थे, जब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे सामने ना एक ड्रीम था, वो ड्रीम हम इनको बता देते हैं सर कि एग्जीक्यूटिव में जितनी रैंक आएंगी क्या सर वो हमारे बैनर से आए, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हम कोशिश करेंगे और हम आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी इस मिशन में हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है सर। मैं तो कहता हूँ सर रैंक भी आएंगी और जितने बच्चे पास भी होंगे ना, मतलब वो मतलब लगा लो वो सब कुछ मेहनत से होगा और हमारे होंगे होपफुली। अगर हम उस लेवल की मेहनत करेंगे, बस आपने मेहनत करनी है, अब आपने जुड़ जाना है सितंबर के सेकंड वीक से, बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगे रिवीजन क्लासेस आपके, एग्जीक्यूटिव शेड्यूल आ ही जाएगा सर। हाँ पूरा कंप्लीट शेड्यूल हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। और बाकी नया वेंचर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो जितने बच्चे सीए सीएमए के हैं वो इस चैनल पे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस जो आएंगी वो सीएस के ही एक्सक्लूसिव आएंगे और सीएस का ही वेंचर रहेगा। आपके लिए सेपरेट वेंचर है एवीसी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे सर यहाँ पे, या वो टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, राइट। तो आपने उससे कनेक्टेड हो जाना है। आपकी भी रिवीजन क्लास होंगी वो सितंबर के मिड से आना स्टार्ट हो जाएंगी, कोस्ट एफएम और टैक्सेशन की, चाहे वो सीए वाले बच्चे हो चाहे वो सीएमए वाले बच्चे हो, ठीक है। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई बाकी टीम का क्या है, तो थोड़ा सा सस्पेंस जरूरी है। नहीं 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 सर वो तो है, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, 3 दिन से ना मतलब मैंने भी अपने यूट्यूब कम्युनिटी में डाली कि हाँ भाई कुछ बड़ा होने वाला है, आपने भी क्लास में बच्चों को बोला, मतलब बच्चों के दिमाग में इतनी एक्साइटमेंट थी यार होने क्या वाला है, तो फाइनली मतलब कुछ बड़ा ही हुआ है और आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर हुआ है जो मुझे लग रहा है। वही सेम एग्जीक्यूटिव जब हम टीम अनाउंस करेंगे बहुत बढ़िया होगी, डेडिकेटली टीम होगी, हर पर्सन जो होगा वो अपने एरिया में स्पेशलाइज होगा, पूरी जान लगा देगा। जो आज तक आपको प्रॉब्लम्स आई है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ नवंबर के बाद से वो प्रॉब्लम आना बंद हो जाएंगी।
मतलब हम गारंटी दे रहे हैं मिलके कि वो नवंबर के बाद अब प्रॉब्लम्स हमको नहीं आएंगी, जब हम मिलके काम करेंगे, जब मिल चुके हैं ना तो बस आपकी फेवर में ही काम किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आपको मैं कह रहा हूँ बस तैयारी करनी शुरू कर दो, क्योंकि ये आपका आज हमने कहा 5 तारीख हमारी अनाउंसमेंट है, और अब समझ लो 6 तारीख से सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में एक ही चीज़ है कि आप लोगों के लिए किस तरीके से बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट की हमने तैयारी करवानी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये भी पूरी तरह से तैयार हैं और मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ, और आप लोग भी अब तैयार हो जाइए। फटाफट से समय मत व्यर्थ करिए, YouTube चैनल फटाफट से सब्सक्राइब करिए, नीचे आपके सबके लिंक दिए हुए हैं, और फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। और शेड्यूल सर बहुत जल्द हम इनको दे ही देंगे, ठीक है जी, शेड्यूल आपको सारा मिल जाएगा सारी क्लासेस का। एंड आई एम श्योर कमेंट करना मत भूलिएगा इस मर्जर के बारे में, आप लोगों को कितना झटका लगा, कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, और जरूर कमेंट करना। आई होप पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर आ जाई होगी, आपके अंदर ना एक आज जुनून आया होगा कि यार अब आएगा मजा। बिल्कुल, मतलब जो मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव वाइब्स होती है ना। अब देखो एक सर का ओहरा तो पहले ही था, मतलब सर से बच्चे मिलते थे ना, एक ओहरा आता था पॉजिटिव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अब हम जुड़ जाएंगे ना तो जो लेवल होगा वो एक अलग ही लेवल होगा, और मैंने सही बता रहा हूँ फील करोगे आप दिसंबर के अंदर, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। ओके।